हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो स्लीव्स को रेडी करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से कपड़े को अंदर की तरफ टर्न करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमारे बाजू की फिटिंग है यहाँ से 4.5 इंच, तो हमने यहाँ पे 1/2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा लिया है, बाकी के कपड़े को हमने कट कर दिया है। और यहाँ से हम 5 इंच पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम यहाँ से दोनों साइडों से इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ टर्न करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे बाजू की फिटिंग के हिसाब से बटन लगाएंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके तो सारे स्लीव को सिलाई करेंगे। अब हम यहाँ से इतने हिस्से को ओपन रख के यहाँ पे बटन लगाएंगे और बाकी के हिस्से को हम सिलाई कर देंगे। स्लीव्स को कमीज के साथ अटैच करेंगे। तो स्लीव्स की सीधी साइड को हम कमीज के अंदर की साइड से इस तरह से मैच करेंगे, इस तरह से रखेंगे और कमीज की साइड की सिलाई को स्लीव्स की सिलाई के साथ मैच करेंगे और यहाँ पे पिन लगाएंगे। इसी तरह से हम स्लीव्स के सेंटर को शोल्डर की सिलाई से मैच करेंगे और यहाँ भी एक पिन लगाएंगे। अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये हमने एक स्लीव को अटैच कर लिया है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा एक स्लीव अटैच हो चुका है। अब हम दूसरे स्लीव को अटैच करेंगे। हम दूसरे स्लीव को अटैच करेंगे तो ये हमारी कमीज की उल्टी साइड है और स्लीव की सीधी साइड है, तो इसको भी हम इस तरह से कमीज के अंदर रखेंगे और साइड की सिलाई से स्लीव की सिलाई को मैच करके पिन लगाएंगे। और इसी तरह स्लीव के सेंटर से शोल्डर की सिलाई को मैच करेंगे। और यहाँ भी पिन लगाएंगे। अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। हमने दोनों स्लीव्स को सिलाई कर लिया है। अब हम घेरे को सिलाई करेंगे।
तो घेरे को सिलाई करने के लिए हमने इस तरह से चाप को इस तरह से इस्त्री से टर्न कर लिया है। अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब हम फ्रंट घेरे को हेम करेंगे और इन स्लीव्स को खोल के हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद दोबारा इनको इस तरह से टर्न कर देंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स, हमारा घेरा मुकम्मल हो गया है। अब हम गले की कटिंग करेंगे और बी शेप में पैन कॉलर बनाएंगे। यहाँ गले पे व्यूअर्स हमने घेरे की सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब हम बी शेप में पैन कॉलर तैयार करेंगे।